हे गाइज, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने इतना सारा हमें सपोर्ट करा ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या एफएनडो के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे? द आंसर इज नो। सो अपना ऑडिट कराइए, ऑडिट के थ्रू आपके एफएनडो के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। सो आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के बारे में। सो ये नोटिस काफ़ी लोगों को रिसीव हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पर्संस आर जिनका आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, आईटीआर 3 एप्लीकेबल है और वो आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं, उनके केस में ये डिफेक्टिव नोटिस आ रहा है। सो इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे इनकम टैक्स में आप अगर सैलरी के साथ साथ आपकी एफएनडो की ट्रांजैक्शन है, शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन है, क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन है और आप ओनली सैलरी की ट्रांजैक्शन फर्निश करते हैं आईटीआर 1 में, सो आपको ये डिफेक्टिव का नोटिस आने वाला है। सॉल्व कैसे होगा वो बताने जा रहा हूं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यहां पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो डिफेक्टिव नोटिस मिला हुआ है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में। असेसमेंट 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24, यहां पे आईटीआर टाइप 1 भर दी, प्रोसीडिंग स्टेटस पेंडिंग ही है क्योंकि नोटिस फर्निश हो चुका है, रिटर्न डिफेक्टिव हो चुकी है। कि जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार डिफेक्टिव नोटिस मिलेंगे। सो बेटर कि आप या तो किसी कंसल्टेंट की हेल्प लें या खुद से अच्छे से फाइल करें और ठीक अप्रोप्रिएट फॉर्म के अंडर फाइल करें, सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करके फाइल करें तो आपको ये नोटिस आपका निकल जाएगा, राइट। सो बेसिकली यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे व्यू नोटिस पे अगर आप जाओगे तो अभी भी 6 अगस्त को कम्युनिकेशन हुआ था, 21 अगस्त रेस्पोंड की ड्यू डेट है, तो उससे पहले पहले हमें रेस्पोंड करना है। रेस्पोंड कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी ऑनलाइन फर्म है जहां पे हम सर्विसेज देते हैं आईटीआर फाइलिंग की और नोटिस वगैरह का, अगर आपका कोई केस है उसको रिजोल्व करने की। इसके साथ ही स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह से लीगल सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना आईटीआर फाइल वगैरह करा सकते हैं, नोटिस को रिजोल्व करा सकते हैं। सो यहां पे जब हम सबमिट रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो नोटिस क्यों आया? नोटिस आया इस वजह से क्योंकि इन्होंने फाइल कर दिया आईटीआर 1। यहां पे आईटीआर फाइल्ड इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट। वो क्यों हुआ? कंप्लायंस पोर्टल में अगर आप जाओगे, सैलरी इनकम भी है, डिविडेंड इनकम भी है, सेल ऑफ सिक्योरिटी भी किया हुआ है, क्रिप्टो भी है और आईटीआर 1 फाइल कर दिया आपने, राइट। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट फॉर्म रहेगा वो रहेगा आईटीआर 2। आईटीआर 2 को अगर आपने फाइल कर लिया है सो यहाँ पे व्यू नोटिस में करने के बाद आपको सबमिट रेस्पॉन्स में जाना है तो यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न इन फॉर्म आईटीआर 1 जो कि अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं था आपका। एज पर टीडीएस डिटेल्स इन योर फॉर्म 26AS टैक्सेस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA, मतलब इन सब सेक्शंस में टीडीएस वगैरह कटा हुआ होगा और आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, ठीक है, तो आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म चूज करके यहां पे एग्री कर जाना है। एग्री विद दिस डिफेक्ट, अगर आपको देखो AIS में सब कुछ दिखाई दे रहा है तो नॉट एग्री डिसएग्री करने से काम नहीं चलेगा, एग्री करना ही करना है। एग्री करने के बाद सेलेक्ट मोड ऑफ रेस्पॉन्स, मोड ऑफ रेस्पॉन्स आपका जाएगा ऑफलाइन यूटिलिटी टूल के थ्रू। ऑफलाइन यूटिलिटी टूल में सेलेक्ट करके हमें आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है और हमें सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है ऑफलाइन यूटिलिटी टूल की जेसन फाइल में। सो आपने जेसन फाइल अगर बना ली है, जेसन फाइल भी बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, अटैच फाइल करना है यहां पे। अटैच फाइल करने के बाद जितनी भी हमारी जेसन फाइल है यहां पे हमें फर्निश कर देनी है, राइट। सो जेसन फाइल कैसे फर्निश होगी आपको वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 की कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी टूल डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। ये टूल डाउनलोड करने के बाद आपको एक काम और करना है, आपको डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा करके आपको अपना ऑफलाइन यूटिलिटी टूल में इनकम टैक्स का फॉर्म खोल लेना है, वो भी आपको अगले स्टेप में मैं सिखाने जा रहा हूँ। सो यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल रिटर्न पे जाना है और इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे क्लिक कर जाना है। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पे मांगेगा इंपोर्ट प्रीफिल डेटा, तो इसके लिए इनकम टैक्स के लॉगिन में जाओ, ई फाइल में जाओ, डाउनलोड प्रीफिल डेटा नज़र आएगा,
इसकी 2425 की जेसन फाइल को आपको डाउनलोड कर जाना है। सो यहाँ पे राइट हैंड में जेसन फाइल आ गई, इसको अटैच कर देना है, अपलोड कर देना है, ओपन करके ये प्रोसीड जब आप कर दोगे तो जैसे ITR की फाइल आपकी ओपन होती है वैसे ही ये फाइल ओपन हो जाएगी। कंटिन्यू पे क्लिक करके ITR 2 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 2 पे क्लिक कर जाना है। राइट, अब इनकी सैलरी भी है, डिविडेंड भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट, रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ VDA, क्रिप्टो हो गया, म्यूचुअल फंड, तो ये यहाँ पे हमारा ITR 2 फाइल होगा। इसके लिए हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, अदर्स पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर जाना है। अब हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल खुल गए। शेड्यूल में इनकम में आप कैपिटल गेन सेलेक्ट कीजिए, VDA सेलेक्ट कीजिए, डीसेलेक्टेड भी हो जाते हैं आप कर सकते हो, अदर सोर्सेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कंटिन्यू पे क्लिक करके कंटिन्यू कर जाइए, स्किप करके मेन फॉर्म पे आ जाइए। मेन फॉर्म पे आने के बाद यहां पे हमारे पास कई सारे शेड्यूल आ गए। अब हम इन शेड्यूल को वन बाय वन फाइल करेंगे, फिल करके हम जेसन फाइल जनरेट कैसे हो सकती है वो सीखेंगे। फाइलिंग स्टेटस, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसको हमें करना है फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। अब नोटिस कौन सा है, नोटिस के लिए जाइए ई प्रोसीडिंग में, ई प्रोसीडिंग का जो नोटिस है ये व्यू नोटिस एंड ऑर्डर ले लीजिए। यहाँ पे रेस्पॉन्स डेट, कम्युनिकेशन डेट, DIN नंबर जो कि डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसको कॉपी कर लीजिए और डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए। डेट ऑफ सच नोटिस कब आया था, कम्युनिकेशन डेट है हमारी 6th of August 2024, ये मेंशन कर दीजिए 6th of August। अब हमें ऊपर डालना है रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न आपने जो फाइल करी थी रिटर्न, ये वाली जो फाइल करी थी ITR 1, इसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए ओरिजिनल रिटर्न की। यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न की यहाँ पे व्यू मोड डाल के भी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर कॉपी कर लेना है, कॉपी करके डाल देना है। कब फाइल करा था ये, आपने फाइल करा था ये 7th of July 2024, यहाँ पे आ रहा है ना लिखा हुआ फाइलिंग डेट, नहीं तो आप इसे डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। ठीक है, फाइलिंग डेट आपको 7th of July डालनी है 2024, यहाँ पे 2024 हम मेंशन कर देंगे डेट, उसके बाद हम आगे फॉर्म की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे व्यू मोर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ITR फाइल्ड 7th of July ये लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, ITR यहाँ पे हमने डाला 7th of July, हम इसको 7th of July मेंशन कर देंगे यहाँ पे और इसमें प्रोसीड कर जाएंगे आगे। 7th of July में मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसको प्रोसीड कर जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट, यू आर इन इंडिया, यहाँ पे नो 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 कीजिए, और यहाँ पे डायरेक्टरशिप में अगर आपकी डिक्लेरेशन हो वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज नो रहेगा। बैंक डिटेल वेरीफाई करके कन्फर्म कर दीजिए तो पहला शेड्यूल हमारा पूरा हुआ। अब हमारा शेड्यूल सैलरी पे हम जाए, आपके पास फॉर्म 16 होगा, अगर आप पेंशनर है तो भी फॉर्म 16 होगा। ये आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम आप देख लीजिए एक बार, सैलरी इनकम कितनी आई है एक बार, इसको 26AS और AIS से मैच कर लीजिएगा। अपना एम्प्लॉयर सेलेक्ट कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो MNC में, तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। अब आप यहाँ पे अपने अलाउंसेज वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपके अलाउंसेज हैं उसका भी ऑप्शन नीचे गिविन है। अब आप कैपिटल गेन डालिए जो कि आपने ITR 1 फाइल करते हुए नहीं डाला था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सारी चीज़ें हैं, आप अपनी फाइल रेफर कर सकते हैं जो डीमैट अकाउंट का टैक्स P&L रिपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप डालोगे, सेक्शन 111A में आता है, हमारे पास ये शीट है ना, ये वाली डीमैट अकाउंट का P&L रिपोर्ट ब्रोकर प्रोवाइड कराता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरे पास तो AIS यूटिलिटी है, मैं उसी से ही मेंशन कर लेता हूं, सारी चीजें मैं पिक कर लेता हूं। ये धनी की हमारे पास शीट है, तो हम धनी की शीट ना जाकर के हम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना AIS यूटिलिटी से देख लेंगे। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालने के बाद हमारा नेट लॉस यहाँ पे अपने आप उठ जाएगा, दो वैल्यू डालने के बाद नेट लॉस उठ गया, ये मैच हो गए सारी फिगर, हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है सेक्शन 112A के अंडर। ठीक है, ये शीट हम डाउनलोड कर सकते हैं, 112A के अंदर हम ऐड डिटेल जाएंगे, व्यू शेड्यूल 112A पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक कर जाएंगे। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आफ्टर 31st of January 2018 पे क्लिक करके हम वापस से अपनी AIS यूटिलिटी टूल की तरफ जाएंगे और AIS यूटिलिटी टूल में हम अपना यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू होगी।
सो हम वापस से अपने AIS यूटिलिटी टूल की तरफ जाएंगे। AIS यूटिलिटी टूल में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इक्विटी म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट में ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ रही है हमारी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वैल्यू सारी डालने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शेड्यूल बफला का। जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं वो हमें कंप्यूट सेट ऑफ कर जाने हैं, हम इसको कंटिन्यू सेट ऑफ कर देंगे। इसके अलावा शेड्यूल CFL में हम जाके देखेंगे हमारे करंट ईयर के जो लॉसेज हैं वो हमारे सेट ऑफ हो रहे नहीं हो रहे, उनको सेट ऑफ कर देंगे। अब हमें चैप्टर 6A में डालनी है अपनी एग्जम्पशंस, जो कि 80C की हमारी डिडक्शन होती है, वो 1.5 लाख है हमारी, तो यहाँ पर हम अपनी मेंशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा 80D हमारे पास HRA वगैरह की एग्जेम्पशन अवेलेबल होती हैं, लेकिन एग्जेम्पशन वही डिडक्शन वही क्लेम कीजिएगा जो कि लीगल है। इलीगल एग्जेम्पशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। यहां पे हम अपनी जो ले रहे हैं डिडक्शंस वही ले रहे हैं जो कि हमें अलाउड है, ठीक है। आपको एडवाइजेबल है कि आप वही डिडक्शन अवेल कीजिए जो कि आपको कंप्लीटली लीगली अवेलेबल है और उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है। यहाँ पे हम 80D में हमारे पास जो भी इंश्योरेंस वगैरह की अमाउंट है वो हम यहाँ पे अपनी मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे 5,000 रुपये तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, और इसके अलावा पेरेंट्स का अगर सीनियर सिटीजन्स होने के नाते कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया हुआ है वो आप मेंशन कर सकते हो। टैक्स पेड में आप 26S से मैच कर सकते हो कितना TDS डिडक्टेड है, और यहाँ पे कन्फर्म कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कंप्लाइंस पोर्टल पे जाना है, कंप्लाइंस पोर्टल पे सारी फिगर मैच कर लेनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे टैक्स जो बन रहा होगा, अगर रिफंड बन रहा होगा तो रिफंड आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कीजिए, प्लेस डालिए जो भी आपका प्लेस है। प्लेस आप अपना प्रोफाइल सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं कि क्या डला हुआ है। प्लेस डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे डालेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद एक बार प्रीव्यू देख लीजिए अच्छे से, सारी चीज़ें करेक्टली फाइल्ड हों। अब ये एरर है, ये क्रिप्टो की एरर है, इसके अंदर हेड ऑफ द इनकम हमें मेंशन करना होता है। ये आपको मैं 26AS के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि ये क्रिप्टो की ही यहाँ पे रिसीविंग है। क्रिप्टो की रिसीविंग हमने डाल दी थी शेड्यूल VDA में। टैक्स क्रेडिट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 24-25, व्यू AS करेंगे, व्यू डाउनलोड एक्सपोर्ट एस PDF, तो यहाँ पे जब 26AS खोलेंगे तो 194S के अंदर TDS आ रहा है, ये रहा। तो हम इसको कहाँ डालेंगे, कैपिटल गेन सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है, ये है तीसरा वाला निब्लियो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी TDS कटा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे। एक बार दो एरर आई थी ना, दो एरर में दूसरी एरर कैसे सोल्व होगी, एक में तो कैपिटल गेन लिख दिया हमने, ये आ गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सेकंड नंबर पे भी हम एडिट पे जाएंगे ताकि वो एरर हमारी वो हो जाए, मिटिगेट हो जाए एरर हमारी, कोई भी एरर ना रहे। तो ये 194S जो आता है VDA में आता है, VDA कैपिटल गेन का पार्ट होता है, तो हम इसे कैपिटल गेन में ही दिखाना है। इसको मैच भी कर सकते हैं फिगर को, 55,085 हमने इसे कर दिया। अब ये होपफुली हमारी दोनों की दोनों एरर रिजोल्व हो चुकी होंगी। हम यहाँ पे वापस से आएंगे, सबसे नीचे शेड्यूल पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना प्रीव्यू चेक कर लीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे देखें, वैलिडेशन सक्सेसफुल, जेसन जनरेट हो गए, जेसन डाउनलोड करो। अब पेंडिंग एक्शन पे जाओ, ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करो, यहां पे व्यू एंड नोटिस पे जाओ, सबमिट रेस्पॉन्स करो, एग्री करो जैसा कि पहले बताया गया था, ऑफलाइन यूटिलिटी ITR2 सेलेक्ट करो, अटैच फाइल में जाओ। अटैच फाइल में जाने के बाद यहां पे अपनी जेसन जो अभी जनरेट करी है वो करो, रेस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका सबमिशन सक्सेसफुली हो चुका है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आपका डिफेक्टिव रिटर्न का इश्यू कैसे रिजोल्व हो सकता है। नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।